प्रधानमंत्री कल इंडिया आइडिया सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अमेरिका भारत व्यापार परिषद की 45वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है ये आयोजन। राज्य हरेली त्योहार से शुरू हुई गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी से किसानों की बढ़ेगी आमदनी, जैविक खेती के लिए भी खुला रास्ता। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज रात से लगाया जाएगा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन का आज हुआ निधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडिया आइडियाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन अमेरिका भारत व्यापार परिषद कर रहा है। इस वर्ष परिषद की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है बेहतर भविष्य का निर्माण। इस वर्चुअल सम्मेलन में भारत और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता, राज्य स्तरीय अधिकारी और समाज तथा व्यापार जगत के विशेषज्ञ भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में विश्व महामारी के बाद भारत अमेरिका सहयोग और भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा की जाएगी। लोक महापर्व हरेली के अवसर पर राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। वे बैलगाड़ी में सवार होकर गौठान पहुंचे और नागर की पूजा की। इस दौरान उन्होंने किसानों से गोबर खरीदकर उन्हें भुगतान के लिए कार्ड सौंपा। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी से किसानों की न सिर्फ आय बढ़ेगी बल्कि इससे जैविक खेती का रास्ता भी खुलेगा। साल के पहला त्यौहार और तीसरा सावन सोमवारी और उस दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत। इस योजना के माध्यम से 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा और इससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसे 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्राम सिकोला में मातृ छाया पथ योजना के तहत किए जा रहे वृक्षारोपण का लोकार्पण भी किया। इस योजना के तहत दुर्ग जिले की सड़कों को ग्रीन जोन में बदलने के लिए करीब 17 प्रजातियों के फलदार, छायादार और औषधि गुण वाले 44,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिले में 102 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसका लाभ जहाँ किसानों को मिलेगा वहीं हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और लोगों को, आम जो उपभोक्ता है, उसे शुद्ध अनाज, फल और सब्जियां मिलेगी। उधर राजनांदगांव जिले में गोधन न्याय योजना की शुरुआत वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने ग्राम सलोनी में की। उन्होंने कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना के साथ प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए वन मंत्री ने कहा कि किसानों से 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है, इससे जैविक खाद का निर्माण होगा। जैविक खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा, इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इस दौरान काफी तादाद में ग्रामीण उपस्थित थे, उन्हें हरियाली के प्रतीक के रूप में पौधे वितरित किए गए। साथ ही वन मंत्री ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए गौठान में वृक्षारोपण भी किया। इधर जांजगीर चांपा के लखोली गांव में संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। श्री राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश दुनिया में पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। पूरे देश दुनिया में आज एक मिसाल कायम कर दी
कि छत्तीसगढ़ की जो सम्मान है, छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो हमार अस्मिता है, ओला बनाए रखे के लिए जो नरवा गरवा घुरुआ बारी के तहत देश दुनिया में जो ढिंडोरा पिटे रही, आज जो विपक्षी मन लाए मुद्दा भी नहीं मिल सकीस गौ माता के बड़ी बड़ी बात करने वाला, आज समझ में इसकी गौ माता के सेवा जतन कैसे किए जाते। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी गौठान बना के बताइस कि गौ माता के सेवा जतन ऐसे किए जाते। आज ये भी बात के बताइस कि गोबर के का कीमत होते, पूरे देश दुनिया आज देखा थे कि गोधन न्याय योजना के तहत आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रायपुर से पूरे प्रदेश के सबो जगह प्रभारी बना के, जांजगीर में भी हमला प्रभारी बना के गोधन न्याय योजना के गोबर के क्रय विक्रय के लिए आज शुभारंभ करी से। वहीं मुंगेली जिले के कंतेली गांव में संसदीय सचिव रश्मि सिंह ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि शासन की इस योजना से किसानों में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम के दौरान गौठान में गेड़ी और झूला उत्सव का आयोजन किया गया, साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में आज रात से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रायपुर नगर निगम और नगर पालिका परिषद क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक नागरिक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। 22 जुलाई सुबह से लेके यानी जो 21 रात को 12 बजे से लेके 28 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक ये प्रभावशील रहेगा। और इससे पहले भी जो इस तरह की जो प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला जा चुका है। वहीं राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में राज्य सरकार ने 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान मेडिकल, पेट्रोल, दूध और सब्जी दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शहर में बेवजह घूमने और मास्क नहीं लगाने वाले नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कल से सभी जगहों पे अलग अलग जगह चिन्हित करके व्यापारी की दुकानें, ठेला, चाट, ये सब जो दुकानें थी उन सब जगहों पे ये सख्ती लाएंगे कि वो इंश्योर करें, वो मजबूर हों कि एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रहे और सभी लोग मास्क पहने। चालानी कार्रवाई करेंगे? हाँ, जो नहीं सुनेगा उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी जारी रहेगी और कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम मतलब हम जागरूकता फैला पाएं कि सब लोग मास्क पहनना स्वयं से ही मतलब निर्धारित कर लें और जो नहीं सुनेगा तो उसके खिलाफ दूसरे तरीके अपनाए जाएंगे। राजनांदगांव के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि जिले में 450 से अधिक मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जो अद्यतन निर्देश प्राप्त हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए 23 तारीख से रात्रि 12 बजे से 29 तारीख के रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा नगर निगम सीमा क्षेत्र में। और ये जो 3 दिन है 21, 22, 23 उसमें लोग अपने जो अत्यावश्यक जरूरी चीज़ें हैं या जो भी जरूरी सामान हैं उसको अपना रख सकते हैं और जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं मेडिकल है, सब्जी है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये बहुत सारे चीज़ों में छूट रहेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कलेक्टरों को जरूरत के अनुसार लॉकडाउन लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। देश में अब तक 7,24,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने वाले मरीजों की दर 62.72% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरने वालों की दर कम होकर 2.43% हो गई है। देश में इस समय कोरोना संक्रमण के 4,02,529 सक्रिय मामले हैं।
इधर छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के कुल 2,50,016 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें अब तक 5,598 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग 4,000 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय प्रदेश में 1,626 मरीज सक्रिय हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरी होने पर घर से बाहर निकलने वाले नागरिकों को अपने साथ परिचय पत्र रखना जरूरी होगा, साथ ही मास्क की भी अनिवार्यता की गई है। लखनऊ के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन का निधन हो गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं ने लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने अपने एक महान नेता को खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालजी टंडन समाज सेवा के अपने अथक प्रयासों के लिए याद किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लालजी टंडन का लंबा सार्वजनिक जीवन लोगों की सेवा में बीता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालजी टंडन भारतीय राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए और उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लालजी टंडन आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्यपाल लालजी टंडन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। लालजी टंडन जी का विराट व्यक्तित्व हम सब लोगों के सामने है। जनसंघ के स्थापना के समय से लेकर के आज के राजनीति में उनकी जो सक्रियता और महत्वपूर्ण भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से उन्होंने अटल जी के साथ में पूरा अपना जीवन दे करके इस पार्टी को संभालने में उन्होंने अपना समय दिया, इसी प्रकार से एक सच्चे समाज सेवक के रूप में, कुशल राजनीतिक के रूप में और साथ ही साथ में पक्ष और विपक्ष में जो महत्वपूर्ण भूमिका में निभाने वाले लालजी टंडन जी रहे हैं। गौरतलब है कि लालजी टंडन लंबे समय से बीमार थे। उनके स्थान पर आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल का कार्य देख रही हैं। इस साल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण गणेश उत्सव के लिए मूर्तियां बेचने को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुए मूर्तिकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मूर्तिकारों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा कि गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणेश की मूर्तियां बनकर तैयार हैं, इसलिए उन्हें बेचने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि गणेशोत्सव के लिए 4 फीट तक की मूर्तियां बेचने की अनुमति राज्य सरकार की ओर से दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल इंडिया आइडियाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अमेरिका भारत व्यापार परिषद की 45वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है ये आयोजन। राज्य हरेली तिहार से शुरू हुई गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी से किसानों की बढ़ेगी आमदनी, जैविक खेती के लिए भी खुला रास्ता। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज रात से लगाया जाएगा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन का आज हुआ निधन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।